नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल केमिस्ट्री पंपोनिया में। साथियों, हम लगातार टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं। तो कहा दे रहे हैं सर, प्लेलिस्ट में जाके देखा नो सोना, प्लेलिस्ट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सोने का मन आता कहते कहा दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर को, क्या है रासायनिक संयोजन के नियम, यानी इसको इंग्लिश में रासायनिक संयोजन। और भैया, संयोजन माने हो गया जुड़ना, है जब एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे अभी भैया आप जानते हो, अभी आप परमाणु हो, अभी कुछ कुछ अणु है, परमाणु मतलब जो अकेला है, सिंगल है, जगह सेटिंग नहीं है वो परमाणु है, और जगह सेटिंग है वो अणु है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ, आप परमाणु है कि अणु है? तो उल्टे लिख दिया सर जी, आप क्या है, हमको जो समझ लो। तो भैया याद रखिएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आज हम लोग को पढ़ना है। लॉ मतलब नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, संयोजन तो रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम हम देखे लिख लिए हैं, इतना नियम को पढ़ना है इस वीडियो में। सारे नियम को एक एक करके खलास कर देना, और कुछ ज्यादा नियम नहीं है, पूरा एकदम सिंपल सिंपल नियम है। और मैंने नियम को लिख लिया है ताकि वीडियो छोटा बने, ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, और ये एक ही लेक्चर में ये सारे चीज को खत्म कर देंगे। उसके बाद तब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना। तब मोल कॉन्सेप्ट का सारा आपका वीडियो बन जाएगा, सारा वीडियो प्लेलिस्ट में हो जाएगा आप लोग, तब हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। आइए शुरुआत करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो आपको सबसे पहले बोलते हैं कि अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बारे में। और जब ये रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की जब बात करते हैं तो अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक, एक होता प्रतिफल। इंग्लिश मीडियम कहते हैं सर, इंग्लिश में लिखिए, इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये टूटता है, सबको पता है, ये टूटता है, अभिकारक टूटता है और ये बनता है, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, H2O बन गया, तो ये दोनों जुड़ गया, यानी संयोजन हो गया। दो टर्म होता है, एक संयोजन होता है, एक वियोजन होता है। अब जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये संयोजन है, जुड़ गया। अब यही अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हीट किया, टूट गया, ये CaO में बन गया और CO2 में बन गया, तो यहां पर ये टूट रहा है, यहां वियोजन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब संयोजन है, रासायनिक संयोजन, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु आपस में अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। इसके निर्माण करने में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग राय दिया। कोई बोला कि जब ये इसको बैलेंस करते हो, बैलेंस देखो, ये बैलेंस है, इसका द्रव्यमान निकालो, इसका द्रव्यमान निकालो, दोनों बराबर होगा। तो जब दोनों का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर इसका अनुपात निकालेंगे उस परमाणु के, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे, अगर ये रेशियो हो जाएगा, इसका द्रव्यमान का अनुपात समान हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे अरे भैया ये तो स्थिर अनुपात का नियम है। जब मल्टीपल हो जाएगा तो बोलेंगे गुणित अनुपात का नियम है। बहुत आसान आसान चीज है। अब ये रासायनिक संयोजन का नियम समझ में आ रहा है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु आपस में अभिक्रिया करता है तो एक या एक से अधिक यौगिक बनाता है। इसी दरमियान क्या होता है, अलग अलग गुण होता है, अलग अलग गुण पाया जाता है। इन्हीं गुण पाए जाने के कारण जो है यहाँ पर हम लोग अलग अलग नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल मैंने उल्टा, रेसिप्रोकल रेशियो लॉ, रेसिप्रोकल लॉ लिख देते हैं सिंपली, रेसिप्रोकल लॉ होगा। उसके बाद होगा गेलुसेक का नियम, गेलुसेक लॉ। फिर होगा एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो लॉ। फिर आपका आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर जी तबीयत खराब है, थोड़ा एनर्जी एनर्जेटिक तो है, गला में थोड़ा सा खांसी हो गया था, गला खराब है, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, मैनेज कर लेना, एक दो क्लास में घबराना नहीं है, मैनेज कर लेना, अच्छा से सुन लेना। अगर ज़्यादा हम तो एनर्जेटिक है, हमको पढ़ाने का मूड है, देखिए पढ़ा रहे हैं पूरा अच्छा से, एकदम रोमांटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब भाई याद रखिएगा नियम को, एक बार याद रखिए कौन कौन नियम है, एकदम फिंगर पे याद करो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गेलुसेक का नियम, एवोगाड्रो का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, आखिर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसने दिया, कब दिया, सबका एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आइए शुरुआत कर दे, अगर आप एकदम कह दो कि हाँ सर आगे बढ़ा जाए, आगे शुरुआत किया जाए, तो मैं शुरुआत कर देता हूं। सबसे पहला नियम लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो इंग्लिश लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या हुआ, आखिर ये जो हमने हेडिंग लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, जो हमने हेडलाइन बना के रखा है, तो द्रव्यमान संरक्षित रहता, अतः पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको विनाश किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, ऊर्जा का ना तो विनाश होता है ना ही उत्पन्न किए जाते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था, सर्वप्रथम दिया था कौन, सर्वप्रथम दिया था लोमो नोसोव, 1736 ईस्वी में दिया था, फिर बाद में लेवाइसिए, ये जो लेवाइसिए है इसी को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पिताजी कहा जाता है, इसको रसायन विज्ञान के जनक की उपाधि हासिल है, किसको, लेवाइसिए भैया को। और ये पुष्टि किया कि हाँ ये जो नियम दिया ना बिल्कुल सही दिया, इसीलिए जब ये पुष्टि किया, ये तो बना दिया कि ऐसा होता है, लेकिन ये जो इसको प्रूव कर दिया, तो इसीलिए मेनली कई कई बुक में लिखा रहेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवाइसिए ने, कई कई बुक में लोमोनोसोव का नाम नहीं रहता है, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब दिया था भैया, 1736 ईस्वी में। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि पदार्थ का ना तो उत्पन्न होता है ना ही उसका विनाश होता, या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कहें कि जो रिएक्शन होता है, एक बगल हमारा अभिकारक होगा और इधर हमारा प्रतिफल होता है, तो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा यानी मास होगा, और प्रतिफल का जो द्रव्यमान होगा, दोनों बराबर होगा। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते, आप जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या प्रोसेस पढ़ा होगा, इसीलिए दोनों तरफ परमाणु बराबर हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है यानी बैलेंस है। भैया दोनों तरफ परमाणु बराबर होगा तो द्रव्यमान भी तो बराबर होगा, एक घोट पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर होगा यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कुछ भारी नियम नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा बराबर होगा प्रतिफल का द्रव्यमान, प्रतिफल का द्रव्यमान, ये दोनों बराबर होगा याद रखना, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर दोनों मास बराबर है तो हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम वैलिड है, लागू है। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो ये बना लेते हैं H2O, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बना लिया H2O, जल बना लिया। अब ये जो जल बना लिया तो बताओ भैया क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इधर हाइड्रोजन दो है यहाँ दो है, ऑक्सीजन दो है यहाँ दो लगा दो, तो हाइड्रोजन चार हो गया यहाँ दो लगा दो, तो ये दोनों अभिकारक है, इसका द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम, दूना चार, चार हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, इसका हो गया 16 दूना 32 ग्राम, तो 32 4 हो गया 36 ग्राम, ये जो 36 ग्राम है ये अभिकारक का द्रव्यमान है, और जब इसका द्रव्यमान निकालोगे तो इसका होगा 18 2 गुना 18 कर दोगे 36 ग्राम, तो भैया इधर भी 36 ग्राम आया, इधर भी 36 ग्राम आया, दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम वेरीफाई है, वैलिड है। तो बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवाइसिए ने दिया,
लेवजियर ने दिया। कब दिया? 1736 ईस्वी में दिया। इनके अनुसार ये कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो प्रतिबल के द्रव्यमान के बराबर होता, बस यही बात बोला था और इसमें कुछ बात है नहीं। तो आगे बढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर हुआ है? यस और नो, जल्दी बोलो। यस तो यस, यस बोलते जाओ, यस यस। अब आगे बढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा नंबर में हमारा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर यानी कांस्टेंट, कहते नहीं रे आप कहां कितना भागेगा, बहुत जीवन से जिंदगी से थक गए, भागेगा कहां, समझे? नहीं, मान लो किसी के आगे पीछे करते हो, अगर नहीं पटती है तो कहते बहुत परेशान हो गया, अब थक गए, अब अस्थिर रहो, अब अपना काम करो, नहीं आने वाली है मेरे जाल में, समझ रहे? तो भैया स्थिर अनुपात इसको दिया था प्राउड साहब ने, कब दिया था? 1799 ईस्वी में। और प्राउड साहब क्या कहते हैं, 1799 ईस्वी में दिया था, इन्होंने क्या कहा जानते हैं? रासायनिक यौगिक में तत्वों का भार जो है ना सदैव स्थिर अनुपात में होता है। यानी कोई भी रासायनिक यौगिक है, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट, जो जो एलिमेंट से बना होगा, उस एलिमेंट के द्रव्यमान का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। फिर से सुनिए, कोई आपका यौगिक है, कोई आपका कंपाउंड है, उनमें जो एलिमेंट होगा उनका जो द्रव्यमान का अनुपात निकालिएगा वो स्थिर होगा। फिर से देखिए, स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउड्स, इसका पूरा नाम था, 1799 ईस्वी में दिया था। और यह कहते हैं कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो तत्व है उसके द्रव्यमान यानी भार का जो अनुपात समान होता है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो। जैसे अभी हम एग्जाम्पल में देखो भैया, हमने एक विधि लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरा रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन है, ये हमारा दूसरा रिएक्शन है, ये हमारा तीसरा रिएक्शन है, ये हमारा चौथा रिएक्शन है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस, यहां भी CO2 गैस मिला। जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन किया तो यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब अपन इसको गर्म किया, इसको रिएक्शन किया HCl के साथ, तो भी आपको CO2 दिया। यहां पर हमने चार रिएक्शन दिया, चार अलग अलग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, चार अलग अलग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो चारों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और चारों में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन रहा है। तो भाई साहब हम क्या कह सकते हैं कि चाहे किसी भी विधि से बनाइए और कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालिएगा तो कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन यहां 2 है तो 16 × 2 = 32, तो इसका अनुपात समान होगा। इसमें भी कार्बन 2 1 है तो 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32, इसमें भी कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32, इसमें भी कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम, इसमें भी कार्बन 1 है 12 32। यानी क्या बोले, किसी भी रासायनिक यौगिक में जो तत्वों का जो भार होता है उसका अनुपात सदैव समान होता है, उसी को कहा था, प्रोट साहब ने कहा था, और इसी का नाम दे दिया स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया? किसी भी विधि से कोई भी रासायनिक यौगिक को बनाओ उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा वो समान होगा, वो क्या होगा, समान होगा। बोलो भाई क्लियर हुआ? जल्दी बोलो भैया, एक यस यस यस, एक बार लिख दो ना भैया, लिख दो ना। क्या भाई सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और दो नियम है, देखो तीन नियम और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, निपटा देते हैं आज के इस छोटा सा लेक्चर में। अब आए अगला, गुणित अनुपात का नियम, बड़ा बढ़िया चीज है। गुणित अनुपात का नियम क्या है जरा समझिएगा, गुणित अनुपात का नियम यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। और ये जो गुणित अनुपात का नियम है ये आखिर होता क्या है, इसको दिया था डाल्टन भैया ने, डाल्टन साहब ने दिया था, कब, 1803 ईस्वी में। पूछेगा गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, कहना डाल्टन ने। ये वही डाल्टन है जिन्होंने परमाणु को सबसे पहले बोला, परमाणु के बारे में बताया था, परमाणुविकता सिद्धांत को दिया था, इन्होंने ही बोला था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य होते हैं।
किसने कहा था? यही साहब है। कौन? डाल्टन साहब है। और डाल्टन साहब गुणित अनुपात का नियम दिया 1803 में दिया। कैसे? आखिर क्या कहते, ध्यान दीजिए कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो दो या दो से अधिक यौगिक भी बनाएगा। पढ़ते हैं पहले इसको। जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, समझ रहे, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। दो चीज आपस में रिएक्शन करेगा तो दो या दो से अधिक यौगिक बना लिया। अब कहता तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले, मतलब एक तत्व के द्रव्यमान को फिक्स कर लीजिए, यही बात बोला है। तो एक तत्व के समान द्रव्यमान यानी सबका द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। उससे जो संयोग करेगा, रिएक्शन करेगा, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में सरल अनुपात होगा। भाइयों बहनों मेरे प्यारे साथियों, मैं अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना चाहूंगा, रिएक्शन कराना चाहूंगा, दो तत्व है, दोनों परमाणु है, दोनों को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, ये आणविक रूप में पाया जाता है इसलिए N2 और O2 लिखा। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो हो सकता है वो N2O बने, हो सकता है वो NO बने, हो सकता है N2O3 बने, हो सकता है N2O4 बने, हो सकता है N2O5 बने। ध्यान दीजिए, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाए रहा है। तो अब इन दोनों में से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक के द्रव्यमान को अगर आप फिक्स कर लीजिएगा, यानी समान कर लीजिएगा सब में, अगर नाइट्रोजन 14 तो इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, तो जब इस नाइट्रोजन के द्रव्यमान को आप समान कर लीजिएगा, तब जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान आएगा, ऑक्सीजन का जो मास आएगा, उसका सरल अनुपात होगा। कैसे? आइए एग्जाम्पल लेते। हम यहां लिख रही है यौगिक N2O, पहला N2O, दूसरा ले लिए NO, तीसरा ले लिए N2O3, चौथा ले लिए N2O4 और पांचवा ले लिए N2O5। हमने ये यौगिक लिया, हमने ये कंपाउंड लिया, ये हमारा यौगिक है, कंपाउंड है। अब यहां पर हम लिख रहे हैं नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ध्यान दो, यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहां पर हम कर लेंगे फिक्स। फिक्स किसका कर लिए? तो नाइट्रोजन के द्रव्यमान को फिक्स कर लिए। अब जो निकलेगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जो फिक्स N से प्राप्त हो, ध्यान देना, तो जब हम लोग N2O में देखेंगे, नाइट्रोजन 2 गए तो 14 × 2 = 28 ग्राम, यहां 1 नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम होगा, यहां पर 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम होगा, यहां पर 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम होगा, यहां भी 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम होगा। अब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम होगा, यहां भी एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम होगा, 3 ऑक्सीजन है तो 48 ग्राम होगा, 4 ऑक्सीजन है तो 64 ग्राम होगा, 5 ऑक्सीजन है तो 80 ग्राम होगा, 1 × 16 होता है। फिर से जानिए, जब दो तत्व को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, जो कि हमने यौगिक को लिख दिया। इन दोनों में से किसी एक के द्रव्यमान को आप क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए, तब दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान का अनुपात आएगा वो सरल अनुपात में होगा। कैसे? तो हम नाइट्रोजन हो गया, अब यहां पर किसी एक का द्रव्यमान को फिक्स कर लिया, हमने नाइट्रोजन को फिक्स किया, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 होता है, 14 होता, फिक्स कर लिया। अब यही समझने वाली बात यह है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो 16 ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। 28 ग्राम जब नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन है 16 ग्राम, जब हम बोलेंगे 14 ग्राम है तो इसका आधा हो जाएगा, तो जब ये 14 ग्राम होगा तो ये 8 ग्राम निकलेगा। फिर से समझिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम, तो जब 14 ग्राम होगा यानी इसका आधा होगा तो इसका भी तो आधा हो जाएगा, नहीं होगा? यहां 14 ग्राम जब नाइट्रोजन भाग ले रहा है तो ऑक्सीजन कितना ले रहा है? 16 ग्राम, तो यहां भी 14 है तो यहां भी हो जाएगा 16। यहां 28 ग्राम है तो देखो भैया, 28 ग्राम है तो इसका 48 है, तो जब इसका आधा होगा तो 48 का आधा ये हो जाएगा 24, ये 28 है तो ये 64 है, ये 14 होगा यानी ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा तो ये हो जाएगा 32, 28 है तो 80 है तो 14 है तो कितना होगा? 40,
अब इसी का अनुपात निकालिए, 8.8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 45, ये सरल अनुपात में हुआ। यही है गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल है, देखो ना, 8 के गुना जाए। फिर से जानिए कि गुणित अनुपात का नियम जो है डाल्टन साहब ने दिया था 1803 में। इन्होंने ये कहा कि जब दो तत्व आपस में भिड़े मतलब रिएक्शन करे तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, उनमें से एक के द्रव्यमान को अगर हम समान कर लेते हैं तो दूसरा का जो द्रव्यमान आएगा वो सरल अनुपात में होगा। यही बात कहा डाल्टन। एग्जाम्पल लिया हमने, एक यौगिक बना लिया, नाइट्रोजन का द्रव्यमान ले लिया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ले लिया, उसके बाद केगो का फिक्स कर लिया। आप चाहते तो ऑक्सीजन का भी फिक्स कर सकते थे, ठीक है। आगे है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम बहुत आसान है, रिचर साहब ने दिया था 1792 ईस्वी में। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, रेसिप्रोकल। पता क्या है इसको बढ़िया से एकदम समझ लीजिए, बस इसी में डिफिनेशन में इसका एग्जाम्पल छिपा हुआ है। कहता है यदि दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, दो गो तत्व लीजिए उसका अलग अलग मात्रा लीजिए किसी तीसरे तत्व के साथ, तो तीसरा तत्व का जो द्रव्यमान जो निश्चित होना चाहिए तो निश्चित मात्रा से संयोग करके, दो तत्व आपस में संयोग किया, अब तीसरा तत्व जो संयोग करेगा उसका निश्चित मात्रा में ले लिए करके दो अलग अलग यौगिक बनाए। मतलब जैसे हम कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, तो कहता है कि अलग अलग तत्व है तो कार्बन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर हम एक तीसरा लिए हाइड्रोजन जिसका मास क्या लिए, निश्चित, तो कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो मीथेन बन गया, और अब यहां ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है दोनों रिएक्शन कर गया तो H2O बन गया। तो कहता है यदि वे आपस में भी संयोग कर ले तो तीसरा यौगिक बनाए, तो आपस में संयोग करके तीसरा यौगिक बनाए, तो आपस में संयोग करके बनाते समय उनके भारों का में वही अनुपात होगा जो उन दोनों तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से होता है। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो H2O, हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्शन किया तो मीथेन में हाइड्रोजन, मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात होगा 4:12। H2O जो बना ये H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 2:16, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे 2 से तो 4, इसको 4:32 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी चार है समान है। अब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 12:32 होगा, कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गेलुसेक का नियम। गेलुसेक खुद वैज्ञानिक का नाम है, गेलुसेक खुद वैज्ञानिक का नाम है। ये कहते हैं कि जब दो गैस आपस में अभिक्रिया करता है, जब दो गैस आपस में अभिक्रिया करता है, बैलेंस भी कर दिया, जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो गैस है, दोनों को आपस में रिएक्शन कर दिया, तो कहता है इसका जो वॉल्यूम का अनुपात होता है वो सरल अनुपात होता है। यानी ये भी एक वॉल्यूम है, ये भी एक वॉल्यूम है, तो 1:1 होगा इसके वॉल्यूम आयतन का। बस यही बात को बताया था किसने, गेलुसेक ने। जब दो गैसें आपस में अभिक्रिया करता है तो उसके आयतन का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात में होता है। और लास्ट है हमारा एवोगाड्रो, एवोगाड्रो लॉ। आप पढ़े होंगे एवोगाड्रो संख्या के बारे में, Na क्या होता है, 6.022 × 10²³ 6.022 × 10²³ ये होता है एवोगाड्रो का नियम। ये क्या होता है, एवोगाड्रो का नियम। और एवोगाड्रो साहब कहते हैं कि जो आयतन जो है ना वो मोलों का समानुपाती होता, बस किसी गैस का जो आयतन होता है ना उसके मोलों का सीधा समानुपाती होता है। ये एवोगाड्रो साहब का कथन है, एवोगाड्रो साहब का नियम है। किसी भी स्थिर ताप और दाब पर कोई भी गैस का जो आयतन होता है उसके मोलों का सीधा समानुपाती होगा, जितना आयतन लेंगे उतना मोल बढ़ेगा या जितना मोल लेंगे उतना आयतन बढ़ेगा। यही बात को बताने वाला वैज्ञानिक था एवोगाड्रो। तो साथियों इनका हम आपको नोट्स जो है केमिस्ट्री पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया,
और व्हाट्सएप नंबर है 6203-21-124। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इनका सारा पीडीएफ आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है, और अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहला चैप्टर अब हम लोग के बीच नहीं रहे, अब हम लोग कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आपसे आग्रह है कि आप लोग किसी भी बुक को न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दीजिए, और न्यूमेरिकल बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, तो हम आप लोग को बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।